नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि EWS कैटेगरी कौन सी होती है, EWS कैटेगरी के तहत कौन से लोग आते हैं और वह कौन से कागजात हैं जिनकी मदद से EWS कैटेगरी के लोग अपने बच्चों का दाखिला RTE यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु करवा सकते हैं। देखिए, EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब EWS कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? देखिए, EWS कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिन बच्चों के अभिभावकों की सालाना आय 1,00,000 रुपए से कम है। जी हाँ, एक परिवार है जहाँ माता पिता और बच्चे रहते हैं, वह माता पिता जो कमा रहे हैं वह 1,00,000 रुपए से सालाना से कम कमा रहे हैं। अब EWS कैटेगरी के तहत कितने प्रतिशत बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है? तो जितनी भी प्राइवेट स्कूलों में सीट होंगी उसका 25% व्यय आरक्षित किया जाएगा शिक्षा के अधिकार यानी कि RTE के बच्चों के लिए, और EWS RTE का एक हिस्सा है। अब अगर आप EWS श्रेणी में आते हैं, आपकी सालाना आय 1,00,000 से कम है, तो आप ये बात कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 कागजात, उनमें से यदि आपके पास एक है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं और EWS कैटेगरी के लाभ उठा सकते हैं। पहला, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया हो। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस इनकम सर्टिफिकेट में आपकी आय 1,00,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए, बिलो पावर्टी लाइन कार्ड यानी कि गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड। तीसरा, आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। चौथा, आपके पास होना चाहिए आय कार्ड जिसे कहते हैं अंत्योदय आय योजना कार्ड। तो ये 4 कागजात हैं, इन 4 में से एक भी अगर आपके पास है तो आप EWS कैटेगरी यानी कि EWS श्रेणी में आते हैं, और EWS श्रेणी के तहत अगर आप आते हैं तो ऐसे में EWS श्रेणी के आप सारे लाभ उठा सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा लाभ जो सबकी शिक्षा के माध्यम से जिसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ कि आपके बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे मुफ्त में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा और आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले उन लोगों को भी इस विषय पर जानकारी देंगे जो EWS श्रेणी में आते तो हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे इस श्रेणी में आते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। याद रखिएगा, आपके द्वारा दी जा रही छोटी सी जानकारी की वजह से किसी बच्चे का भविष्य बदल सकता है, किसी परिवार की किस्मत बदल सकती है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।